हाय गाइस, आज की इस वीडियो में लता जी से जुड़ी ऐसी पांच बातें आप लोगों से शेयर करेंगे जो शायद आप में से काफ़ी कम लोगों को पता हो या फिर वो बातें आज तक ज़्यादा सामने नहीं आ पाई। बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। लता जी के पाँच भाई बहनों में वो सबसे बड़ी बहन थी और 13 साल की उम्र में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से उन्हें गाना शुरू करना पड़ा। अपने परिवार की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए उन्होंने गाना शुरू किया और इंडस्ट्री में इतना अच्छा नाम कमाया, जिसके बाद उन्हें नाम दिया गया क्वीन ऑफ मेलोडी, जिसके नाम से उन्हें जाना जाता था। शुरुआत में काफ़ी सारे संगीतकारों ने लता जी की आवाज़ को नकार दिया, कहा कि आवाज़ काफ़ी ज़्यादा पतली है। उनकी हिंदी और उर्दू को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े किए गए, लेकिन बाद में हिंदी और उर्दू पर लता जी ने काफ़ी काम किया और उसके बाद उन्होंने काफ़ी अच्छा नाम भी कमाया। दिल मेरा तोड़ा गाना लता जी का पहला बड़ा ब्रेक था। लता जी ने 1942 से लेकर 1948 तक 8 फिल्मों में काम किया एज एन एक्ट्रेस। 1962 में भारत और चाइना के युद्ध के बाद जब पूरे देश का मोरल डाउन था, तब लता जी ने स्टेज पर ऐ मेरे वतन की लोगों गाना गाकर सभी लोगों का हौसला बढ़ाया। ये गाना सुनने के बाद जवाहरलाल नेहरू के साथ बैठे तमाम लोगों की आंखें नम हो गई थी। लता जी को हमेशा लगता था कि उनकी आवाज़ सायरा बानू पर काफ़ी ज़्यादा सूट करती है, जो कि दिलीप कुमार जी की वाइफ हैं। लता जी को क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद था और वह एक सच्ची देशभक्त थी। 20 मार्च 2019 में लता जी का आखिरी गाना सौगंध मुझे इस मिट्टी की रिलीज़ हुआ था। अगर आप लोगों को लता जी के बारे में जानकर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएँ। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।